चतरा के सिमरिया अनुमंडल स्थित हर्षनाथपुर गांव के किसान शंभू यादव ने कश्मीर की तर्ज पर स्ट्रॉबेरी की खेती को अपनाकर न सिर्फ एक अभिनव प्रयोग किया है बल्कि ये आत्मनिर्भरता की एक मिसाल भी बन गए हैं। उन्होंने लगभग 10 कट्टे में स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाए हैं जिसमें फल भी आने लगे हैं। शंभू रोजाना स्ट्रॉबेरी को तोड़कर स्थानीय बाजारों के साथ साथ कोलकाता की मंडियों में भी भेज रहे हैं। शंभू यादव ने कहा कि उन्होंने कश्मीर के किसानों से इसकी खेती की पूरी जानकारी ली, फिर वापस आकर अपने खेतों की मिट्टी की जांच करवाई। इसके बाद कोलकाता की एक एजेंसी से स्ट्रॉबेरी के पौधे मंगवाए और खेतों में लगवाए। उन्होंने कहा कि स्थानीय मार्केट में 200 रुपए और कोलकाता की मंडियों में 600 से 800 रुपए प्रति किलो स्ट्रॉबेरी बिक रही है। का नया खेती है, झारखंड में कभी नहीं होता था, इसीलिए हम बाहर से इसका पौधा मंगा के इसका खेती की, किसान जागरूक हो इसका खेती करे। 600 से 800 रुपए केजी बिक्री होता है इसका। ज़्यादा लाभ इसमें ताकत होता है, खाने से जो है सो प्रोटीन बढ़ता है शरीर में, इसीलिए अच्छे अच्छे लोग, बड़े लोग भी खाते हैं, छोटे लोग भी खाते हैं, महंगा कह के छोटे लोग नहीं खाते हैं। तो ये पौधा आप कहाँ से मंगाए थे? इसको कश्मीर से मंगाए थे हम। परेशानी तो हुआ था हमको, नहीं यहीं पे हम लगाए, यहीं से शुरुआत किए हैं। पहले तो हमको लगा कि बहुत लोग मजाक उड़ा दिए, ये सब खेती नहीं होगा, ऐसे वैसे करके मतलब हंसी उड़ाते थे, लेकिन जब खेती हो गया तो लोगों को जो है सो उत्साह बढ़ा कि ये खेती हो सकता है। तो स्ट्रॉबेरी का खेती आप लगभग कितने एकड़ में या कितना कट्ठा में लगाए? 2000 पौधा लगाए। 2000 पौधा, तो इसे अभी तक कितना उपार्जन हुआ, बेनिफिट हुआ? अभी तक तो 30 से 40 केजी अभी तो निकलना चालू हुआ, 30 से 40 केजी निकला है, है ना। तो ये कितने दिनों के अंदर फल लगाने को, पौधा लगाने के बाद फल देना शुरू करता है? पौधा लगाने के बाद 1 महीना के बाद देना चालू कर देता है, फल देना शुरू कर देता है। मतलब इससे अच्छी आमदनी है? अच्छी आमदनी है। शंभू यादव, शंभू यादव के मुताबिक उनका प्लान इसे और आगे बढ़ाने का है। इसके लिए वो खास तैयारी कर रहे हैं। दरअसल वो कुछ और किसानों को स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए तैयार कर रहे हैं जिससे कि इसे बड़े पैमाने पर किया जा सके। उनका कहना है कि अगर वो ऐसा करने में सफल रहे तो दूसरे किसानों की भी तकदीर बदल जाएगी। चतरा से अशोक तुलसियान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।